अगर आप बाली जाने की इच्छा रखते हैं तो मैं आपको बहुत ही कम बजट में बाली की ट्रिप प्लान करने का तरीका बताऊंगा। बाली दुनिया में इंडियंस के लिए सबसे फेवरेट प्लेस है। शादी के बाद हर शादीशुदा कपल बाली जाना चाहता है। यहाँ की नाइट लाइफ, संस्कृति, लोग और ठहरने की जगह भारतीय पर्यटकों को बहुत ही रास आती है। इसी कारण बाली भारतीय पर्यटकों का सबसे अधिक डिमांडिंग वाला इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन चुका है। हालांकि हर भारतीय के लिए विदेश यात्रा करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर समझदारी से ट्रिप प्लान की जाए तो आपकी यात्रा बजट फ्रेंडली बन सकती है। अगर आप भी लंबे समय से बाली जाने की योजना बना रहे हैं तो मैं आपको मात्र 40 से 50 हज़ार रुपये में बाली के लिए 4 से 5 दिन की यात्रा कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताता हूँ। बाली की ट्रिप प्लान करने का दौरान सबसे ज़्यादा बात ध्यान रखने के लिए ये है कि बाली भारतीयों को फ्री वीज़ा उपलब्ध कराता है। जब आप एक महीने की यात्रा के लिए बाली में हो तो आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, तो ऐसे में आपका काम और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। आप केवल 40 से 50 हज़ार रुपये लेकर बाली जा सकते हैं। बाली के लिए सबसे पहले आपको फ़्लाइट देखनी पड़ेगी, तो फ़्लाइट आपको अपने अनुसार चूज़ कर लेनी है। मात्र 12 से 15 हज़ार रुपये में आपको फ़्लाइट मिल सकती है, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी, दोनों फ्लाइट बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगी। बाली में ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही आसान है, जैसे इंडिया में ओला और उबर टैक्सी सर्विस आपको मिलती है, इसी तरह इंडोनेशिया में आपको गोजेक नाम से टैक्सी की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी सिम की ज़रूरत नहीं है। एयरपोर्ट के वाईफाई से कनेक्ट करें, सिर्फ 20 से 70 रुपए में ड्राइवर आपको खुद आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। बाली में घूमने के लिए आपको ज़रूरत के अनुसार अगर आपको स्कूटर या कोई मोटरसाइकिल किराए पर लेनी है तो उसका किराया एक दिन का 200 से 400 रुपए के बीच में हो सकता है कि आपको कौन सी स्कूटर या गाड़ी क्या चीज़ आपको लेनी है, उस हिसाब से 200 से 300 रुपए में ये काम हो सकता है। बाली हर तरह से पर्यटकों की उम्मीद पर खरा उतरता है। अगर आप सोलो ट्रेवल कर रहे हैं तो ठहरने के लिए बैकपैकर्स हॉस्टल को चुनें। यह बहुत ही सामाजिक और बेहतरीन सुविधाएं आपको देती है। एक डॉर्म बेड की कीमत 100 से 1200 के बीच होती है। यहां पर न्यू उबर्ड हॉस्टल में ठहरना बहुत ही अच्छा विकल्प होता है। बहुत कम कीमत में आपको नाश्ते और लॉकर के साथ एसी रूम आराम से मिल जाएगा। बाली की यात्रा के दौरान कई लोग आइलैंड पर घूमने का आनंद लेते हैं। यहाँ आसपास कई सुंदर और कम देखे जाने वाले आइलैंड हैं, जिसमें गिली और नूसा आइलैंड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आप एक शांतिपूर्ण, रोमांटिक और नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए ये आइलैंड बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ बोटिंग के लिए 500 से 1000 रुपये चार्ज किए जाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन से आइलैंड पर जाना चाहते हैं। बात करें यहाँ पे खाने की, तो इसमें कोई शक नहीं कि बाली में खाना बहुत ही सस्ता है। अगर आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसके आधार पर बाली में हर विकल्प मौजूद है। यहाँ के रेस्टोरेंट में वेजिटेरियन से लेके बाली की स्पेशल डिशेस आपके पास कई ऑप्शन रहते हैं। यहाँ लंच में आपको चावल, चिकन करी और सॉस कम से कम 50 रुपये में मिल जाएंगे। अगर आपके पास लिमिटेड बजट है तो आपको यहाँ का लोकल फूड एंजॉय करना चाहिए। ऐसा करने से आपका काफ़ी सारा पैसा बच जाएगा। बाली में शॉपिंग करना बहुत ही आसान है, बस आपको बार्गेनिंग करना आना चाहिए। अगर आप अच्छे से बार्गेनिंग कर लेते हैं तो आप यहाँ से काफ़ी इजीली बहुत ही सस्ते में अपनी चॉइस के हिसाब से शॉपिंग कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी, आप शॉपिंग करना चाहें या ना चाहें, लेकिन यहाँ की यात्रा आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।